Please click on subscribe and hit the bell icon to receive our updates. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप गूगल पे पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप गूगल पे पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गूगल पे ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। तो इसको हमने इंस्टॉल कर रखा है पहले से, तो आपको सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। उसके बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। वो मोबाइल नंबर जो हमारे बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड होता है, वही नंबर हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हमें सिंपली जो नेक्स्ट पे टैप कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें हमारा ईमेल आईडी शो होगा मोबाइल नंबर के साथ। इसको जो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको जो है जल्दी से हम टैप कर देते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो एक OTP आ जाए फ़ोन नंबर वेरीफिकेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए एक OTP भेजा जाए। तो ये OTP हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लेंगे OTP एंटर करने के बाद। तो ये OTP हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब स्टार्ट यूजिंग गूगल पे हम क्लिक कर देंगे और जो हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, चेकिंग OTP, ये देखिए। अब क्या करना है हमें यहाँ पे जो है, अब एक पिन क्रिएट करना होगा। हम चाहे तो अपना जो स्क्रीन लॉक है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम जो है गूगल पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल पिन हम क्रिएट कर लेते हैं। गूगल पिन पे यहाँ पे सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो हम यहाँ पे पिन अपना क्रिएट कर रहे हैं। जो भी मामला आता है ना सिक्योरिटी का, उसमें जो है स्क्रीन काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, पता नहीं स्क्रीन रिकॉर्ड उसको रिकॉर्ड नहीं करता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो हमने जो पिन क्रिएट कर लिया है, ये बन गया है अकाउंट। अब हमें यहाँ पे अपना बैंक ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रिस्टोर अकाउंट्स, यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट भी देखने को मिलेगा अगर आप जो है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो है ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करके अपना जो है बैंक ऐड कर लेना होगा, बैंक अकाउंट ऐड कर लेना होगा। तो इस पर हम जो क्लिक कर देते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको बैक करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऐड बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करके आप अपना बैंक जो सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हम यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, HDFC बैंक। अब ये देखिए MI का फ़ोन है, इसमें बहुत सारे जो परमिशन मांगते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ख़ास चीज़ है कि जो आपका नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड हो वही आप सेलेक्ट करिएगा, वो सिम आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना होगा। एक SMS भेजा जाएगा जिसके लिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ये जो है सारा कुछ हो जाएगा वेरिफिकेशन के ज़रिए से, SMS के ज़रिए से। अब प्रोसीड पे हमें क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो अपना डेबिट कार्ड ATM कार्ड है उसका लास्ट 6 डिजिट एंटर करना है, और साथ ही जो एक्सपायरी डेट है वो भी इंटर कर लेना होगा। तो चलिए अब इसको जो है हम जल्दी से इंटर कर लेते हैं। तो ये एंटर कर लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, टैप कर देना होगा। अब हमें यहाँ पे UPI पिन क्रिएट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत जो है ज़रूरी चीज़ है। तो जब भी कोई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कुछ होता है तो हमारा स्क्रीन जो ब्लैक हो जाता है तो इसको आप देख नहीं सकते। सबसे पहले एक OTP आएगा, मैं आपको बता दूँ, तो वो OTP आपको जो ऊपर इंटर करना होता है। उसके बाद आपको इंटर करना होता है अपना UPI पिन। तो UPI पिन में आप जो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो पिन अपना क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। फिर से आपको जो अपना UPI पिन एंटर करना होता है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से होगा, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम UPI। तो इस तरह से ये जब जो है प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अकाउंट एडेड। तो अकाउंट जो है ये देखिए एडेड हो गया है, मतलब एड हो गया है। अब हम जो है लाइव हैं UPI पे। आप चाहे तो गूगल पे से हम किसी को पे कर सकते हैं या पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, मतलब कि अब आप जो है गूगल पे का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कुछ इससे किया जा सकता है वो आप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल करना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।